मैं डॉक्टर सुषमा, मैं किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑंकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। जैसे ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में महिला लोगों में प्रथम स्थान में है और ग्रामीण और शहर लोगों में ये डिफरेंट रहता है। जैसे ग्रामीण लोगों में कम दिखता है और शहर के लोगों में इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। मुंबई में 27% इन 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स विल बी अफेक्टेड एंड ग्रामीण लोगों में देखा जाए तो 8 महिलाएं अफेक्टेड होता है और दिल्ली में देखा जाए तो 25 लोग इससे मर चुके हैं 1 लाख फीमेल्स में देखे तो। साइंस एंड सिम्टम्स यानी लक्षण कैसे होता है इसका। लक्षण जो है स्तनों में निपल का मुकर जाना, नहीं तो स्तनों का साइज़ यानी दोनों का मात्रा डिफरेंट रहना, या स्तनों में घटान या सूजन दिखना, नहीं तो अंडर आर्म्स या खाक में तो सूजन दिखना, नहीं तो कभी कभी जख्म भी दिखता है। और लेट स्टेजेस यानी अंतिम स्थिति में हड्डियों में दर्द या सख्त खांसी, परसिस्टेंट कॉफ बोलते हैं उसको, वो भी दिखता है। और वजन कम होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर का साइंस एंड सिम्टम्स होता है। जैसे रिस्क फैक्टर्स बोले तो नली पैरिटी यानी जिस महिलाओं को बच्चे नहीं हुआ है वो लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। और जिस महिलाएं 30 वर्ष के ऊपर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है उसका भी ज़्यादा रिस्क होता है। और ओसी पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ज़्यादातर महिलाओं प्रेगनेंसी रोकने के लिए ओसी पिल्स लेते हैं, उसके हिसाब से इसका रोल जो है वो बहुत विवादास्पद है। और जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस रहता है जैसे डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू या पेजेट्स डिजीज ऑफ निपल, वो भी कैंसर का रूप धारण ले सकते हैं। और रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा वजन रहना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। और वेस्टर्न डाइट, पाश्चात्य देशों में जो खाना खाते हैं पिज़्ज़ास बर्गर्स, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसका मतलब है कितना स्टेजेस रहते हैं और फर्स्ट स्टेज में क्या दिखता है और लास्ट स्टेज में क्या दिखता है। फर्स्ट स्टेज यानी लेस देन 2 सेंटीमीटर्स ऑफ द लेजन, जो स्तनों में ही रहता है। और सेकंड स्टेज में होता है 2 से 5 सेंटीमीटर तक लेजन, वो स्तनों में ही रहता है, कभी कभी अंडर आर्म्स यानी काक में भी दिखता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर स्तनों से बाहर आके यानी चमड़ा को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अंडर आर्म्स में भी घटान दिख सकते हैं और अंदर भी घुस सकता है, जैसे रिब्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। और स्टेज 4 में दूसरे अंगों को फैल जाते हैं जैसे दिमाग या हड्डियों या पेपड़ियाँ। सो ये जो स्टेज 4 कैंसर है उसमें तो इलाज करना बहुत मुश्किल है। और कमिंग टू द डायग्नोसिस इज़ यूजुअली मेड बाय मैमोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके बाद कंफर्मेशन हम करते हैं FNAC और बायोप्सी से। मैमोग्राफी में क्या करते हैं कि दोनों ब्रेस्ट का एक्सरेस ले लेते हैं, 3 एंगल्स में एक्सरेस लेके उसको रेडियोलॉजिस्ट एग्जामिन करके अगर कुछ स्पेकुलेटेड मास या कैल्सिफिकेशन रहेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। और अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट करते हैं जो थोड़ा ओबीस रहेगा तो अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट करते हैं। और बहुत छोटा लीजन है, बहुत डाउटफुल लीजन है, एकदम छोटा है, वो मैमोग्राफी में नहीं पिक होगा, उसमें तो हम MRI ब्रेस्ट करते हैं। MRI ब्रेस्ट करके उसको सुई से यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड या CT गाइडेड बायोप्सी और FNAC करके कंफर्म करते हैं। और कंफर्मेशन हमेशा निर्धारण तो होता है सुई परीक्षा से, FNAC या नीडल बायोप्सी से। बायोप्सी यानी थोड़ा छोटा मात्रा में ऊतक निकाल के लैब को भेज देते हैं, वो उससे हम ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म करते हैं।
और ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म होने के बाद क्या करना है? कंफर्म होने के बाद तो ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में। प्रिवेंशन होता है जैसे सब लोग कैसे प्रिवेंट करना है ये डिसीज़ को, प्रिवेंट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से, यानी ज़्यादा वेस्टर्न डाइट नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अगर फैमिली डिसीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, यानी खानदानी में जैसे माँ से बच्चों को संक्रमण होता है, उसमें हम ब्राका वन ब्राका टू टेस्टिंग, ये सब नया चीज़ है, उसमें हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करके वो लोग हु आर ऑलरेडी हैविंग दिस, यानी पेशेंट को पहले करते हैं हम ब्राका वन ब्राका टू टेस्टिंग करके, और जो फैमिली मेंबर्स है अगर वो लोग पॉजिटिव है तो फैमिली मेंबर्स में भी ये करा लेते हैं। उसके बाद हम अगर वो पॉजिटिव है तो जैसे हमारा हॉलीवुड हीरोइन एंजेलिना जोली, वो ब्रेस्ट रिमूवल करवाया और ओवरीज रिमूवल करवाया, जैसे वैसे ही हम ओफरेक्टमी और बायलेटरल मैस्टेक्टमी करा लेते हैं। और कमिंग टू द स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्क्रीनिंग इज़ यूजुअली डन बाय फोर मेथड्स। फोर मेथड्स क्या है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट, थोड़ा अमेरिकन कैंसर सोसाइटी तो ये रिकमेंड नहीं करती है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट मोडालिटी एज अ स्क्रीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर, लेकिन हमेशा मैं एज अ प्रैक्टिशनर मैं बोलती हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट जल्दी डिटेक्ट कर लिया घटाने बोल के उसको पता चला, तो हम भी ट्रीटमेंट अच्छा सा दे सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ ऑलवेज अ गुड मोडालिटी ऑफ स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग मोडालिटी, ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, पेशेंट को आईने के सामने खड़े होकर, पेशेंट या नॉर्मल लेडी को पेशेंट के आईने के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर करके देखना है, क्या 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 देखना पड़ता है, दोनों स्तन सेम लेवल पे है कि सेम साइज में है, या निपल रिट्रैक्ट हुआ या मुकर गया, और स्वेलिंग दिख रहा है क्या, कुछ सूजन या स्वेलिंग दिख रहा है क्या, वो सब चेक करना पड़ता है। और अंडर आर्म्स में कुछ स्वेलिंग है क्या देखना है, और निपल से डिस्चार्ज आ रहा है क्या, जैसे पानी जैसे या दूध जैसे डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए, नॉर्मल लोगों में नहीं आना चाहिए, वो भी साइंस एंड सिम्टम्स होता है ब्रेस्ट कैंसर का, इसलिए वो भी चेक करना पड़ता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में। अगर ये सिम्टम्स दिखाया गया तो तुरंत डॉक्टर के पास आके चेक करवाना है। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग तो एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, उसके बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसके बाद मैमोग्राफी, और उसके बाद CA19.9 ट्यूमर मार्कर लेवल्स। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है कि पेशेंट अपने आप खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करना पड़ता है। कैसे करना है, वो पेशेंट आईने के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर करके सब डायरेक्शंस में पैल्पेट करके, पैल्पेट यानी चार उंगलियों से राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैल्पेट कर प्रेस करके देखना है कि क्या है, कुछ स्वेलिंग है कि कैसा है, ठीक है। और दोनों ब्रेस्टों को देखना पड़ता है, दोनों साइज नॉर्मल है क्या, शेप नॉर्मल है क्या, दोनों सेम लेवल पे है क्या, वो सब देखना है। और निप्पल को भी एग्जामिन करना पड़ता है, निप्पल में कुछ डिस्चार्ज आ रहा है क्या, पीप जैसे या कभी कभी पीप जैसे भी आ सकता है, और पानी जैसे या दूध जैसे डिस्चार्ज आ सकता है, उसको भी देखना पड़ता है। और कभी निप्पल, एक निप्पल अंदर जाता है उसको मुकर जाते बोलते हैं, वो भी देखना पड़ता है। और अंडर आर्म्स या खाक में तो स्वेलिंग्स भी दिखता है, वो भी एग्जामिन करना है। और स्किन का इन्वॉल्वमेंट, कभी स्किन डिम्पल जैसा बनता है, वो भी देखना पड़ता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महिला करना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर के पास आने के पहले अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में छोटा सा गठान या स्वेलिंग अगर पेशेंट डिटेक्ट कर लिया तो हम जल्दी ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
सो ब्रेस्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और दो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी रेकमेंड नहीं करती है, लेकिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि हम यानी ट्रेंड डॉक्टर्स या सिस्टर्स के पास आप जाके टेस्टिंग करवाना है। और ब्रेस्ट लंप को हम पालपेट करते हैं यानी प्रेस करके देखते हैं कि उसका कैरेक्टर्स क्या है, उसका स्वेलिंग का कैरेक्टर कैसा है। ये हार्ड रहेगा तो बहुत चांसेस है वो ब्रेस्ट कैंसर होने का। कभी कभी फाइब्रोएडिनोमास या दूसरा एब्सेस भी दिखता है, एब्सेस तो सॉफ्ट रहता है, फाइब्रोएडिनोमा उसका टेक्सचर रहता है मिक्स्ड टाइप का, सॉफ्ट और हार्ड दोनों टाइप का रहता है। तो फाइब्रोएडिनोमा यूजुअली मूव होता है ब्रेस्ट में, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली फिक्स्ड रहता है और उसका जो टेक्सचर रहता है हार्ड रहता है। इसलिए हम जो भी पेशेंट ब्रेस्ट लंप बोल के हमारे पास आते हैं उसको हम पहले पैल्पेट यानी प्रेस करके देखते हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है बोल के। और एग्जामिन अंडर आर्म का भी एग्जामिन करते हैं ताकि कुछ लीजन्स ब्रेस्ट में कुछ नहीं दिखता है लेकिन अंडर आर्म्स में दिखता है, वो ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्प्रेड होता है अंडर आर्म्स का लिम्फ नोड्स में। इसलिए पहले कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी पेशेंट्स को मैंने देखा है जिसमें ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं रहता है लेकिन अंदर अंडर आर्म्स में जो गठान दिखता है वो पॉजिटिव आता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और कमिंग टू द मैमोग्राफी विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्क्रीनिंग, हम ग्रामीण लोगों में अगर स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं तो हम डिजिटल मैमोग्राफी मशीन लेके जाते हैं ताकि डिजिटल मैमोग्राफी क्या करते हैं वो ब्रेस्ट को तीन एंगल्स में एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने के बाद हम वो फिल्म्स को एक दिन में हम ऑलमोस्ट 50 से 100 मैमोग्राम्स करते हैं और वो फिल्म्स को हम रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं उसके ऊपर, और उसका रिपोर्ट जो मिलते हैं तीन दिन के बाद फिर वापस पेशेंट्स हमारे पास वो फिल्म्स लेके आते हैं। अगर उसमें स्पेक्यूलेटेड मास ऑफ एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर रहना है मैमोग्राफी पिकअप करने के लिए, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर रहना है, वन स्पेक्यूलेटेड मास या कैल्सिफिकेशंस रहेगा तो वो मोर चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का। और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये बायरेट्स 1 या 5, अगर 5 है तो डेफिनेटली वो ब्रेस्ट कैंसर है, 1 और 2 रहेगा तो वो बिनाइन भी हो सकता है यानी नॉन मैलिग्नेंट। और वो रिपोर्ट मिलने के बाद हम कंफर्मेशन के लिए FNAC या बायोप्सी करके देखते हैं। और ये मैमोग्राफी अभी तो बहुत सारे लोगों में एक दिन में कम से कम 100 महिला में करके हम स्क्रीनिंग करके अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये स्क्रीनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कमिंग टू CA 19.9 लेवल्स है, ये ट्यूमर मार्कर है जिसका अगर मात्रा बढ़ेगा तो डेफिनेटली देर इज़ अ मोर चांस ऑफ गेटिंग द ब्रेस्ट कैंसर, बट ये नॉन स्पेसिफिक है। आजकल जो नया टेस्ट मिल रहा है और किम्स में ये टेस्ट भी हो रहा है, CTC बोलते हैं, एक ब्लड टेस्ट से यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, इससे हम डिटेक्ट कर रहे हैं इस पेशेंट को कैंसर है कि या नहीं। स्क्रीनिंग के हिसाब से जैसे मैंने अभी बोला है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी के बारे में, अभी CA 19.9 लेवल्स के बारे में बोलने वाले हूँ। CA 19.9 लेवल्स जो है वो ट्यूमर मार्कर होता है, उसका लेवल्स अगर बढ़ गया तो वो ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ता है। ये बहुत नॉन स्पेसिफिक है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। और CTC लेवल्स, CTC यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स एक ब्लड टेस्ट करके हम उसका लेवल्स देखते हैं। CTC यानी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस है।
और आगे किम्स हॉस्पिटल में एक ट्रायल चल रहा है बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट में सीटीसी लेवल्स कैसा है, एक ब्लड टेस्ट से हम ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने वाले हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी है और डिटेक्शन के लिए भी यूजफुल है और इससे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं और बाद में इसका फ्यूचर है, पूरा सीटीसी का ही फ्यूचर है बाद में, अभी तो इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन कंफर्मेशन तो डेफिनेटली एफएनए से या बायोप्सी से ही करना पड़ता है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल से हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट को डिजीज है कि या नहीं और उसका लेवल से हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका रिस्पांस भी हम असेस कर सकते हैं। और कमिंग टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत फेजेस में होता है, ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसका ट्रीटमेंट हम पहले अगर ऑपरेबल है तो उसको बोलते हैं ऑपरेबल ब्रेस्ट कैंसर, तो सर्जरी करके फिर उसको कीमोथेरेपी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कब ज़रूरत पड़ता है बोले तो एनी ट्यूमर विच इज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर्स उसको कीमोथेरेपी देना ही देना है। और ब्रेस्ट अगर पूरा नहीं निकाले या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हुआ या लेट स्टेजेस में डिटेक्ट हुआ तो रेडिएशन देना कंपलसरी है। और इसके अलावा हार्मोन ट्रीटमेंट भी देते हैं, हार्मोन अगर पॉजिटिव है तो हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर्स विच आर एक्सप्रेसिंग ईआरपीआर स्टेटस उसमें हम हार्मोन थेरेपी भी देते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, पूरा 4 ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली स्टेजेस में यानी एटलीस्ट तीसरा में भी कर सकते हैं, थर्ड स्टेज में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फिक्सिटी नहीं रहना है। अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट या चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट यानी रिब को अगर फिक्स हो गया तो हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट उसको कीमोथेरेपी दे के थोड़ा छोटा करके फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। 3 साइकिल कीमोथेरेपी दे के उसको ट्यूमर को छोटा करके फिर उसको सर्जरी करते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में डायरेक्ट सर्जरी करके हम कीमोथेरेपी के लिए भेज देते हैं। और सर्जरी में 2 टाइप का सर्जरी होता है, एक तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी है यानी ब्रेस्ट को पूरा नहीं निकालते, सिर्फ जहाँ पे गड्ढा है उसको निकाल के अच्छा सा कॉस्मोसिस अच्छी होने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। और अंडरआर्म्स में भी लिम्फ नोड्स निकालना पड़ता है क्योंकि हमेशा स्प्रेड रहता है ब्रेस्ट का लिम्फ नोड्स ऑफ एक्सिला, अंडरआर्म्स में लिम्फ नोड्स निकालना पड़ता है। सर्जरी से क्या साइड इफेक्ट्स रहता है, इस सर्जरी से साइड इफेक्ट्स होता है कि हाथ का स्वेलिंग होने का चांसेस, उसको लिम्फेडिमा बोलते हैं हम। लिम्फेडिमा थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, फिर भी उसका इलाज तो है। और कमिंग टू सेकेंड सर्जरी विच इज़ मैस्टेक्टमी यानी कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करना है, कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद चेस्ट वॉल को बाद में रेडिएशन देते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो रहता है महिला लोग उसको पूरा ब्रेस्ट रिमूव करवाने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, हमेशा ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करवाने के लिए राजी होते हैं। और तीसरा जो होता है पैलिएटिव मैस्टेक्टमी हम करते हैं कि अगर पूरा फैल गया स्टेज 4 डिजीज में है लेकिन ब्रेस्ट बहुत बड़ा है और इन्फ्लेमेशन है उसमें से पूरा जख्म है और डिस्चार्ज भी हो रहा है बहुत दर्द है तो इस केसेस में हम पैलिएटिव मैस्टेक्टमी करते हैं। और कमिंग टू कीमोथेरेपी एस्पेक्ट्स जो है अभी तो बहुत एडवांस्ड है, कीमोथेरेपी अभी टारगेटेड कीमोथेरेपी भी आया है, सो बहुत लेटेस्ट कीमोथेरेपी स्केड्यूल्स चल रहा है आजकल, वो सब टारगेटेड है। टारगेटेड मतलब किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ये सब रिसेप्टर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अगर ब्रेस्ट ट्यूमर सर्जरी के बाद अगर निकला तो अगर उसमें पता चला तो ये हार्मोन पॉजिटिव है और ये हर्टू रिसेप्टर पॉजिटिव है, ये
ईआर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से कीमोथेरेपी रहता है, और जो कीमोथेरेपी स्केड्यूल्स है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करके बोलते हैं कि ये पेशेंट को ये देना है, और अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो हार्मोन टैबलेट्स बाद में शुरू करते हैं, अगर हर2 पॉजिटिव ट्यूमर है तो उसको ट्रस्टुजुमाब बेस्ड कीमोथेरेपी बोलते हैं। ट्रस्टुजुमाब इज ए कॉस्टली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इस ये हार्मोन हर2 पॉजिटिव रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। अभी नया जो निकला है पर्टुजुमाब, उसको ट्रस्टुजुमाब और पर्टुजुमाब दोनों डुअल ब्लॉकेट करके हर2 पॉजिटिव ट्यूमर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल हमारा डॉक्सोरुबिसिन है, सबको पता है लाल वाला दवा से बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। कीमोथेरेपी के दौरान तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स रहता है, और पेशेंट तो डेफिनेटली थोड़ा डिप्रेस रहता है क्योंकि पूरा उसका बाल चले जाता है। ये ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा इन्वॉल्व्स हेयर लॉस, सो डेफिनेटली हेयर लॉस तो डेफिनेटली होगा, और इसके साथ साथ थोड़ा वजन कम होना क्योंकि डेफिनेटली वॉमिटिंग्स नाशिया वो सब रहता है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में तो ये सब होने का चांसेस है, हेयर लॉस वॉमिटिंग नाशिया वेट लॉस वो सब होगा। और इसके अलावा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कीमोथेरेपी लेने वालों के लिए, क्योंकि मेंटल सपोर्ट डेफिनेटली देना पड़ता है क्योंकि ये पेशेंट सब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कीमोथेरेपी का शब्द सुनते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए डेफिनेटली मॉरल सपोर्ट फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली देना पड़ता है। और कीमोथेरेपी के अलावा रेडिएशन थेरेपी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में ये लोकल डिसीज बहुत लोकल कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी करने के बाद अगर डिसीज फिर से ब्रेस्ट या चेस्ट वॉल के ऊपर आ गया तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पेशेंट तो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। उस रीजन में अगर दर्द या स्वेलिंग फिर से आ गया तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, उसमें डेफिनेटली रेडिएशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और ब्रेस्ट कंजर्वेटिव हर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के बाद तो रेडिएशन देना ही देना है, क्योंकि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में सिर्फ गठान को निकाल देते हैं और बाकी सब ब्रेस्ट ऐसे ही रहता है, तो इसलिए उसमें डेफिनेटली हम रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है। और कंजर्वेटिव सर्जरी के अलावा पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया तो यानी मैस्टेक्टमी में भी आफ्टर द कीमोथेरेपी हम रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन चेस्ट वॉल को देते हैं और सुप्राक्लेविकुलर रीजन यानी नेक कॉलर बोन के ऊपर जो एरिया रहता है उसको भी हम रेडिएशन देते हैं। और पेशेंट का पोजीशन जो रहता है वो हाथ ऊपर करके सोना पड़ता है रेडिएशन के दौरान। अभी तो रेडिएशन का मशीन्स बहुत एडवांस्ड है तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ही कम है, पहले जैसे नहीं है। पहले तो कोबाल्ट मशीन रहते थे उससे हमको बहुत थिकनेस चेस्ट वॉल होता था, थिक चेस्ट वॉल होता था, वो सब साइड इफ़ेक्ट्स अभी नहीं होगा क्योंकि ये सब रोबोटिक मशीन्स हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होगा। सिर्फ हल्का सा ब्लैकनेस ऑफ द एरिया तो डेफिनेटली होगा क्योंकि एक्सरेस हैं इसलिए ब्लैकनेस तो डेफिनेटली होगा, और डोज टू द लंग्स एंड हार्ट जो पहले ज़्यादा होता था अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एडवांस्ड टेक्निक्स है, सब कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स है जैसे IGRT IMRT रैपिड आर्क और 3D CRT। एंड इसके अलावा हम लेफ्ट ब्रेस्ट ट्यूमर्स में तो हम डेफिनेटली ये करते हैं गेटिंग यानी रेस्पिरेटरी गेटिंग, रेस्पिरेशन को हम मैच करते हैं हमारा ट्रीटमेंट से, और पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम पे ब्रेथ होल्ड करने के लिए, ब्रेथ होल्ड किया तो उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, जब पेशेंट फिर सांस लेना शुरू किया तो हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं।
ताकि ट्यूमर जो पहले जो ट्यूमर निकाला गया है उसका चेस्ट वॉल को ही रेडिएशन मिलेगा और अंदर का स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट लंग्स को डोज ही नहीं जाएगा। ये तो ब्रेथ होल्ड टेक्निक डेफिनेटली हैज शोन टू हैव गुड रिजल्ट्स। एंड उसके अलावा रेडिएशन का रोल जो होता है पैलिएटिव रेडियोथेरेपी, अगर पैलिएटिव रेडियोथेरेपी हम इनऑपरेबल ब्रेस्ट में भी कर सकते हैं या हड्डियों में अगर फैल गया बोन मेट्स है, पेनफुल बोन मेट्स है, तो हम रेडिएशन उसको भी देते हैं। और दिमाग अगर ब्रेन स्प्रेड है, पेशेंट पैरालिसिस में जा रहा है और बिहेवियर सिम्टम्स भी रहता है जैसे कुछ भी बात करती है, वो सब सिम्टम्स रेडिएशन थेरेपी से बहुत कम होता है। और अगर पूरा कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट स्टेज फोर डिसीज रहता है फिर भी पूरा कीमोथेरेपी हार्मोन थेरेपी देने के बाद पूरा कंट्रोल हो गया एक ही डिसीज पे, छोटा सा गठान है तो रेडिएशन से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर छोटा सा ब्रेन ल्यूजन है हम उसको रेडियो सर्जरी भी कर सकते हैं। तो रेडिएशन का रोल ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर कंजर्वेटिव सर्जरी करने के बाद सर्जन हम क्या करते हैं, कभी कभी नीडल्स इंसर्ट करते हैं। नीडल्स इंसर्ट करके पूरा ट्रीटमेंट रेडिएशन ट्रीटमेंट जो महीना चलता है एक महीना, उसको हम 5 दिन में ही ख़त्म करके भेज देते हैं। तो वो भी एडवांस्ड ट्रीटमेंट है। सर्जरी करते वक्त ही हम नीडल्स इंसर्ट करते थे और तीसरा दिन जब हमको पाप से रिपोर्ट मिलेगा उसके हिसाब से हम कितना डोज देना है वो फिक्स करके तीसरा दिन से 5 दिन तक रेडिएशन देके ट्रीटमेंट का कंप्लीट कर देते हैं। और रेडिएशन ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर में 25 या 30 फ्रैक्शंस रहेगा, हर रोज एक या दो मिनट का ट्रीटमेंट ही है। और ये ट्रीटमेंट के पहले हम सीटी स्कैन इमोबलाइजेशन वो सब करके जो फील्ड है वो मार्क करके फिर रोबोटिक मशीन को वो ट्रांसफ़र करते हैं। और कमिंग टू द हार्मोनल थेरेपी का, हार्मोनल थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर हैज़ अ मेजर रोल बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट ट्यूमर्स जो है वो सब हार्मोन डिपेंडेंट है। दे कैन बी ईआर यानी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव हो सकता है या प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर पॉजिटिव हो सकता है। तो ईआर पॉजिटिव ट्यूमर्स है तो फोर्थ स्टेज में आए तो भी इसका इलाज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल, अगर प्री मेनोपॉजल पेशेंट है तो हम टेमोक्सिफेन देते हैं 5 साल तक। अभी नया डेटा आया हुआ है उसके हिसाब से हम 10 साल भी दे सकते हैं। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम टेमोक्सिफेन अभी 10 साल तक दे रहे हैं। और लेट पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में तो हम डायरेक्टली लेट्रेजोल शुरू करते हैं या एनेस्ट्रेजोल विच आर आरोमेटेज इनहिबिटर्स। आरोमेटेज इनहिबिटर्स has got some side effects like osteoporosis, but उसका जो control करना disease फिर वापस नहीं आने के लिए जो role रहता है वो बहुत ही important है। अगर ये दोनों fail हो गया फिर क्या करना है, अगर stage 4 disease है ये सब fail हो गया, पहले का hormone therapy fail हो गया तो हम second line treatment करते हैं जैसे eximestin या fulvestrant, second line treatment भी दे सकते हैं। ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है इसलिए हार्मोन थेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ब्रेस्ट कैंसर में। एंड कमिंग टू द प्रोग्नोसिस, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में यानी स्टेज 1 स्टेज 2 में रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ईआर पॉजिटिव ट्यूमर्स में, हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर्स में इसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है। स्टेज 3 में डेफिनेटली इट इज़ अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स, ओनली 30-40% विल हैव 5 ईयर सर्वाइवल रेट। एंड स्टेज 4 में देखा जाए तो ये बहुत ही डाइसी है क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है। कभी कभी पेशेंट्स विद स्टेज 4 डिसीज भी 5 साल जी सकते हैं, अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो 5 साल भी आराम से जी लेते हैं, अगर ट्रिपल नेगेटिव है तो
ट्रिपल एम नेगेटिव यानी यार ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है, प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव है, हर2 भी नेगेटिव है, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वेरी बैड रहता है। और नेक्स्ट कमिंग टू हर2 पॉजिटिव ट्यूमर्स, हर2 पॉजिटिव थोड़ा बेटर है लेकिन ट्रिपल नेगेटिव सबसे वर्स्ट है। एंड अगर प्रोग्नोसिस सब हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए अगर पॉजिटिव ट्यूमर्स है या पॉजिटिव ट्यूमर्स है उसका रिजल्ट्स डिफरेंट है। इवन इफ इट इज स्टेज 4 डिजीज उसका तो सर्वाइवल कभी कभी 5 से 10 साल भी होता है। अगर आपको फर्दर क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरे किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद में रहती हूँ और मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 रहती हूँ, आप कभी भी आ सकते हो।